वी द पीपल के लोग बहुत ध्यान से इस बात को लें कि जैसे जैसे वी द पीपल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और काम आगे बढ़ रहा है, तो कई बार हमारा कोई उतावला साथी आ जाता है जिसको अभी क्रांति चाहिए, 10 मिनट के अंदर क्रांति चाहिए, 15 मिनट के अंदर सरकार चाहिए और 20 मिनट के अंदर अपना मुख्यमंत्री और 30 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसे जितने भी उतावले लोग, अच्छी बात है सारे, अगर कोई ऐसा कर देता है 10 15 20 मिनट में हमारी समस्या सॉल्व कर देता है, मगर 1956 से अभी तक नहीं हुई, 70 साल 65 साल हो गए बाबा साहब के जाने के बाद और काम खराब हो गया, तो उम्मीद कम है कि कोई चमत्कार होगा। तो ऐसे व्यक्ति जब आपको मिलें तो वो बेसिकली अपना कोई प्लान बताएंगे आपको, तो पहले आपसे पूछेंगे आपका क्या प्लान है, आप इसको कैसे करेंगे, आप करना क्या चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लीडर कौन है, इसे कर कौन रहा है, पैसा कहाँ से आता है, पैसा जाता कहाँ से है, बहुत सारी बातें करेंगे। इसके अलावा जो लीडर्स हैं, एस्टेब्लिश लीडर हैं, सामाजिक हैं या धार्मिक हैं या राजनीतिक हैं या दल बल सेना संगठन के हैं या किसी सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह के हैं जो समण समाज के, जब उनको लगेगा कि उनका जो कार्यकर्ता है उनसे सवाल पूछना आरंभ कर दिया है और अब ये सवाल पूछ रहा है तो हमारे पास नहीं रहेगा, तो वो उसको भ्रमित करेगा, भंवर में डालेगा, बहकाएगा, उसको कहेगा फलाना आदमी ऐसा है, फलाना आदमी ऐसा है, अरे उसके बारे में झूठ भी बोलेगा आपसे, क्योंकि वेरीफाई तो उसने किया नहीं, आपने भी नहीं किया। तो उसकी बात ध्यान से सुने, आप वेरीफाई करें कौन व्यक्ति कैसा है कौन नहीं है, और उस व्यक्ति से एक सवाल भी करें कि भाई आपने कितने उद्देश्य पूरे किए अब तक और क्या उम्मीद आपसे करें, जब आप बूढ़े हो गए और मरने वाले हैं तो अभी आपसे क्या उम्मीद करें, अब तो आप हमारे लिए जिम्मेदारी के अलावा कुछ है नहीं। कोई व्यक्ति अगर उतावला आपसे कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये क्रांति कर दूंगा, मैं ये क्रांति कर दूंगा, तो उसको कहिए कि भाई आप क्रांति कर दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर आप क्रांति कर देंगे तो हम तो आराम से बच्चों के साथ नैनीताल भी जाएंगे घूमने के लिए, हम तो जा नहीं पाते, हम अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी में जाएंगे घूमने के लिए, हम तो जा नहीं पाते, हम भी आराम से बैठ के टीवी देखेंगे, अपने बच्चों के साथ पिक्चर देखेंगे, हम तो देख नहीं पाते, ऐसा उनको बोलिए कि करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डाइवर्ट करने के लिए आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा किस किस तरह के लोग आते हैं, उनको दोनों हाथ से नमस्कार करके उनका धन्यवाद करके और उनसे कहिए कि हमारी मंगल कामना है, आपको हमारी बेस्ट विशेस हैं, जब आप ऐसा चमत्कार कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे तो हमारा काम करना आसान हो जाएगा, हमें काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कृपया जल्दी से इसको कीजिए। क्योंकि जितने भी लोग आपके पास आएंगे आप ये समझिए कि आपके अंदर कोई खास बात है और आप कोई खास काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे, इससे पहले नहीं आए वो। अब चूंकि जैसे 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 उम्मीदें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो लोग सक्रिय होते जाएंगे, कईयों को लगेगा कि उनकी तो कुर्सी, उनकी तो नेतागिरी, वो जो उन्होंने प्रधानी का लेवल, महासचिव का लेवल, जनरल सेक्रेटरी का लेवल, सेक्रेटरी का लेवल, या जो वो ठाट से चला करते थे वो लेवल उनके ख़त्म हो जाएंगे, तो दुख होता है आदमी को। कोई आदमी लगातार किसी को अध्यक्ष अध्यक्ष कहता रहे और अचानक अध्यक्ष कहने वाले लोग ना हो तो उसकी जीते जी उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसी आदमी को प्रधानी प्रधानी प्रधान जी करते रहें और जब उसको प्रधान जी कहना बंद कर देते हैं तो बेचारा उसके रोटी मिले ना मिले उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। ये दरअसल एक नशा होता है, एक विलासिता होती है जिसको कहते हैं कि ये शोहरत का नशा है, और ये ऐसा होता है, इसके ऊपर एक शेर भी है कि शोहरत समुंदर का कोई साहिल नहीं होता, यानी कि जिसको शोहरत का नशा लग जाए, चस्का लग जाए, प्रधानी का, प्रेसिडेंटशिप का, महासचिव का, सचिव का, वो बीच समुद्र में जाके मरता है, क्योंकि शोहरत के लिए कभी वापस साहिल पर नहीं आता, वो दोबारा बिना शोहरत के जीवित रह नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो पूरी ताकत लगाएगा आपको भ्रमित करने में, आपको तोड़ने में, आपको समझाने में। आप उसकी बात ध्यान से सुनिए, सारे प्रश्न लिखिए और यहाँ वी द पीपल में आके डिस्कस कीजिए। आँख बंद करके वी द पीपल की बात नहीं माननी है, क्योंकि वी द पीपल में आप भी हैं, सब लोग हैं, तो सवाल जवाब होते रहने चाहिए। जो गुड़ होता है, शीरा होता है, जिसमें गन्ने का जो शरबत होता है पकाते हैं, जिसमें हम दूध डालते रहते हैं, उससे मैली बार बार निकलती रहती है, तो वो और ज़्यादा प्योर होता रहता है। इसी तरह से अगर हम किसी भी बात की चर्चा करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, तो हम उसकी मैली को बार बार निकालते रहेंगे,
कोई भी आदमी किसी भी प्रश्न को अपने मन के अंदर ना रखे, मन के अंदर अगर प्रश्न रखेगा तो वो जहर बन जाएगा, बाद में विदा पीपल को नुकसान भी हो सकता है। धन्यवाद।